73 विधानसभा सीटों का मतदान आज संपूर्ण हो गया। मैं आज आपको यह भी कहने आया हूं, नौजवान साथियों, जो सबसे ज्यादा संख्या में दाएं बाएं सामने खड़े हैं, बिहार करवट ले चुका है, बिहार ने अड़ाई ली, बिहार की तरुणाई ने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है और बिहार ने निर्णय भी किया है पहले चरण में कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू भाग और महागठबंधन। अब दूसरा चरण आपके हाथ में, पहले चरण में बदलाव आ चुका, दूसरा और तीसरा चरण बिहार की जनता के हाथ में। मैं आपको केवल एक बात कहने आया, ये चुनाव, इन चुनाव में एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज, एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज आपका मत काटने आए। जुमलेबाज को आज आए थे दानों बजाने, आप साथ यहां बैठे पीछे मत करो, आज आए थे जुमलेबाज। मैं प्रवीण को बता रहा था कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं, पहली मेरी विधानसभा में जो सभा करने आते हैं जुमलेबाज साहब, क्योंकि उन्हें बड़ी व्यक्तिगत तकलीफ है, क्योंकि उनका इलाज मैं हर रोज बात करूँ ना, बाबा आप तो देखते उनसे ना हम डरते ना घबराते ना पीछे हटते, हम तो किसान, किसान किसी से डरा है क्या, तो नरेंद्र मोदी डरा है क्या, हम कोई डरते होते नहीं। तो एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज, धोखेबाज कौन है, धोखेबाज वो है जिसने पिछली बार बिहार में महागठबंधन में मेरी बहन जन्मा किया बाबू नीतीश कुमार ने, और फिर सृजन के घोटाले के फेरीकोट से भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए, बिहार के चुनाव को हर लिया जाए। ये चुनाव एक जुमलेबाज और एक धोखेबाज को बिहार से बाहर निकाल, और इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि राजग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम या माले को सत्ता में लाना, हम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं एक नए बिहार के निर्माण के लिए। मेरे बुजुर्ग साथियों, ऐसा कौन सा घर है जहां नौजवान लड़का या लड़की नहीं, बेटा या बेटी नहीं, देखिए कितने हजारों नौजवान खड़े, इनके चेहरे देखिए, इनका शरीर देखिए, इनके चेहरे की शिकन देखिए, इनके इनके अंदर उमंग है, उनके अंदर काबिलियत है। बिहार के युवा में, बिहार के युवा में हुनर है, बिहार के नौजवान में गुण है, बिहार के नौजवान में आगे बढ़ने का जज्बा है, परंतु बिहार के युवा के भविष्य पर दो व्यक्तियों ने ग्रहण लगा रखा है, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं नीतीश कुमार। कहीं सही नहीं कि 4.5-5 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख मानवी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 5 लाख पैसा है, पद है, खाली पड़ी है, बिहार के नौजवान को देंगे नहीं, आपकी बेटी आपके बेटे को देंगे नहीं, क्यों, क्यों 5 साल से 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, सेंशन पोस्ट हैं, हम आपसे वचन और वादा देते हैं, तेजस्वी यादव आपको वचन और वादा देते हैं, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नौजवानों को 10 लाख नौकरी, देश का एक नौजवान आपसे पूछता हूं, जब हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने, रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने, बाबू नीतीश कुमार ने उस वादे का मजाक उड़ाया।
चाहिए, आपको तो मंत्री बनने की नौकरी चाहिए, पर उस माँ के बेटे के लिए, वो माँ मेरी जो बेटी है उनकी बेटी के लिए आपके पास रोजगार है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है। क्या करेंगे ऐसी सरकार का जो 5 लाख पद खाली है? अब अपना खर्चा काटिए, पर बिहार के बेटा और बेटी को रोजगार और रोटी दीजिए। मुझे एक बात और मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, हमने भी सरकारें चलाई, अपनी कलम से हकूमत चलाई, अपनी कलम से बच्चों को रोजगार दिया, अपनी कलम से बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए रास्ते खोले, युवाओं के संगठन का प्रतिनिधित्व किया, इस देश में हुक्मरानों से लड़ाई लड़ी है, वो वाजपेयी जी हो वो नरेंद्र मोदी जी, दोनों से लड़ाई लड़ी, जेल काटी, डंडे खाए, हड्डियां तुड़वाई, परंतु कभी भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं, डरे नहीं, मुकदमे बनाए उन्होंने पर पली उनसे घबराए नहीं। मैं एक बार कहूं, यहां बस धर्म समाज के इस देश की खुशबू बैठी है, जो सिया राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, उनसे धोखा कर दिया, आपसे मुझसे कुछ लोग करेंगे, हमने से तो बदबू आती पर उनसे भी धोखा कर दिया। ये सारे सेंटर भी अगर आप बदल कर लेना तो अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ही 20-50 लाख आ जाएगा और हमारे 5-7-10 लाख बच्चों का भी दूर होगा। एक और बात है, पटना और पटना साहब पूरा पटना 6-8 महीने पहले डूब गया, चलिए यहां का पानी नहीं आया, हम मेरे साथ से बात कर रहे हैं, पूरा पटना एक नाले से 15 साल 780 हफ्ते से आप सत्ता में, 780 हफ्ते के बाद सुशील मोदी आरएसएस की हाफ पैंट पहने खड़े थे पुल के ऊपर, बिना मुझे बता दो, अरे भैया 780 हफ्ते के बाद हाफ पैंट पहनकर उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को कहता है मुझे बता दो पटना तो और बिहार के लिए क्या करता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो ये 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रहे थे मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, 3 गठबंधन, इनका पहला गठबंधन है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का, जो पर्दे के सामने दिख रहा है, दो गठबंधन ज्यादा पर्दे के पीछे, क्या है पहला गठबंधन है लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का, और दूसरा है ओवैसी और बीजेपी। हम बड़ी जिम्मेवारी से कहते थे, हमने उन्हें बहुत नजदीक से देखा, एक ही आरएसएस और एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसी को बुरा लगे हम क्षमा चाहेंगे पर सच्चाई है, हकीकत है, जहां जहां मोदी की मदद करनी होती है, जहां जहां मोदी को खतरा होता है, पर्दे के पीछे ओवैसी साहब आकर खड़े होते हैं, ताकि वोट जो है सारी बांध में धर्म के आधार पर विभाजन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर से नहीं जाए। आप मुझे बताइए, अगर लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का समझौता नहीं तो 50 उम्मीदवार बीजेपी के जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पे चुनाव कैसे लड़ रहे हैं भैया? बताएं, बीजेपी का उम्मीदवार जदयू के खिलाफ लोजपा की टिकट से लड़ रहा है, लोजपा के बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं कर रहा, तो मोदी जी काहे में काम नहीं देते चिराग पासवान को एनडीए से, कोई जवाब है? काहे के राज नहीं देते? वो मोदी की फोटो लगाते हैं एनजेपी वाले तो चुनाव